हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक 2024 के कट ऑफ के बारे में, यानी कि अगर आप झारखंड में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज पाना चाहते हैं तो कम से कम आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा। हम पिछले 3-4 साल के एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद बताएंगे आपको कि कितना जरूरी है आपके लिए कि झारखंड पॉलिटेक्निक का आप जो है बेहतरीन तैयारी करें कि आपको एक सरकारी कॉलेज में सीट मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि कट ऑफ 2022 में कितना गया था, कट ऑफ 2023 में कितना गया था, और अब मैं बताऊंगा कट ऑफ 2024 में भी कितना जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले 22 और 23 का थोड़ा सा हम लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जो झारखंड पॉलिटेक्निक का जो आपका कट ऑफ है, ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कहाँ कहाँ डिपेंड करता है आपका, तो वो सबसे पहली चीज जो डिपेंड करेगा आपका झारखंड पॉलिटेक्निक का कट ऑफ, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप सभी के पेपर का लेवल कैसा रहा है। ठीक है, तो आपको मैं एक एक चीजें बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि झारखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड स्पेशल कोर्स आपका चल रहा है, जो कि आप लोगों का पांडे जी टेक्निकल ऐप पर चलेगा। 199 रुपए में ही आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। उस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 199 में आपको तैयारी करना है और अपनी पूरी तैयारी करना है झारखंड पॉलिटेक्निक की। सबसे पहली चीज आपको कट ऑफ जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि झारखंड पॉलिटेक्निक में अगर आप लेवल की बात करोगे पेपर की, ठीक है, झारखंड पॉलिटेक्निक के पेपर के लेवल की बात करोगे, तो तीन चीजें आपके सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, और ये है आपके पास मैथ एक होता है, एक आपके पास फिजिक्स होता है, और एक आपके पास जो है दोस्तों ये आपके पास केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो तीनों में अगर मैं सवालों के संख्या की बात करूं तो आपके पास जो है क्या क्या सवाल आते हैं, तो 50 क्वेश्चन साहब मैथ से पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछे जाते हैं, और 50 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 50 50, यानी कि 150 क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि प्रत्येक क्वेश्चन का एक नंबर आपका झारखंड पॉलिटेक्निक में मिलता है, तो 150 मार्क्स का आपके पास टोटल पेपर निकल के आता है झारखंड में। ठीक है, 150 मार्क्स का टोटल पेपर आपके पास झारखंड पॉलिटेक्निक में निकल के आया। अब अगर यहाँ पे आपने किसी भी प्रकार की गलती की है ना, मान लो कि आपने जो है गलती कर दिया, और आपने जो है जैसे ही गलती करेंगे तो 1/4 की आपके पास जो है यहाँ पे, यानी कि झारखंड पॉलिटेक्निक में आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी आपके पास होती है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग होती है, ये चीज भी आपको ध्यान से देखना है। यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका एक नंबर कट जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान से देखना है, आपको समझना है। ठीक है, तो अब आप देखिए, सबसे पहले 2022 का कट ऑफ क्या था, और उसके बाद जो है 2023 का कट ऑफ क्या था। ठीक है, पिछली बार की अगर हम बात करें, 2023 की बात करें अगर हम, तो 2023 में पेपर के लेवल की बात करें तो आपके पास फिजिक्स का जो लेवल था वो आप लोगों का बिल्कुल सही था, केमिस्ट्री के लेवल की बात करें, और अगर आप मैथ्स की लेवल की बात करोगे तो दोनों के दोनों इतने टफ थे कि बच्चा जो है सवाल बना ही नहीं पाया। ठीक है, यानी टोटल अगर मैं 150 क्वेश्चन कहूं कि आपके पॉलिटेक्निक में आया था पिछली साल, तो आपने अगर 40 नंबर आ गया किसी का, तो 40 नंबर पे भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल गया था। मैं कहूं कि 30 नंबर पे भी पिछली साल जो है कुछ बच्चों को सरकारी कॉलेज मिल गया था। इसी रेंज में चीजें गई थी, इससे बाहर चीजें नहीं आई थी। मात्र 40 नंबर पे भी सरकारी कॉलेज मिला था। ये इसलिए मिला था क्योंकि अगर मैं लेवल की बात करूं तो आप पहले ही देख सकते हो कि भैया फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, ठीक है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में अगर मैं दोस्तों बात करूं, तो आप में से सिर्फ व सिर्फ बच्चे फिजिक्स के ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, और 50 में से 30 भी फिजिक्स में सॉल्व कर पाए, और केमिस्ट्री और मैथ 100 क्वेश्चन मिला करके 10 से 15 भी अगर जिसने सही कर दिया तो उसका जो है नंबर अच्छा आ गया। क्योंकि इसका लेवल जो है आप लोगों का बहुत हार्ड था, और क्लास 12th स्टैंडर्ड का था। केमिस्ट्री भी आप लोगों की ऐसी थी कि 11th और 12th स्टैंडर्ड की चीज़ें आपके पास मिला के आई थी। जब 11th और 12th स्टैंडर्ड की चीज़ें आपस में मिला के पूछी जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम तो देखने को मिलेगा ही, और सेम चीज़ हुई और आपके पास जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिली, और बच्चों का बहुत ही कम नंबर पर सिलेक्शन हुआ। इसके पीछे का रीजन है कि आप सभी के पास क्या था कि पेपर का लेवल हार्ड था। ठीक है,
अब ये जो आपका कट ऑफ है ये बढ़ सकता था, ये कब बढ़ सकता था कि जब आप लोगों के पास फिजिक्स का भी लेवल इजी कर दे, मैथ का लेवल भी इजी कर दे और केमिस्ट्री का लेवल भी इजी कर दे, एटलीस्ट इतना कर दे कि अगर हर सेक्शन में आप लोगों का, ठीक है, मान लीजिए कि 50-50-50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और तीनों का लेवल अगर इजी रहेगा तब जाकर के 120 के आसपास आपका कट ऑफ बनेगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन बंदा इसमें सही करेगा, 40 क्वेश्चन इसमें सही करेगा, कोई भी बच्चे 40 क्वेश्चन इसमें सही करेगा, तब आपका 120 के आसपास का कट ऑफ बनेगा, ठीक है। तो ये तो आपका पिछली साल का सिनारियो रहा कि 2023 में आप लोगों का कौन सी गुल खिलाया गया है झारखंड पॉलिटेक्निक में, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं इसी तरीके से आपका कंडीशन जो है क्या हुआ 2022 में हुआ, ठीक है, इसी तरीके का कंडीशन जो है पॉलिटेक्निक का आपके पास 2022 में हुआ, और 2022 में आपके पास क्या हुआ कि आपके पास जो कट ऑफ हुआ था झारखंड पॉलिटेक्निक में, है ना, वो आप लोग कितना हुआ था 62 से लेकर के 70 मार्क्स तक के बीच में जिसका जिसका आया था झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि इतने ही नंबर पे आप सभी का सिलेक्शन हुआ था, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, मात्र इतना नंबर जो लाए थे उतने ही नंबर पे आप सभी का सिलेक्शन 100% डन हुआ था, है ना। तो ये सिलेक्शन का नंबर है, लेकिन हाँ सवाल ये है कि क्या इस बार 2024 में भी क्या कुछ इस तरीके से होगा, तो क्या कंडीशन बन सकती है। देखिए दो तरीके की कंडीशन बन सकती है, एक तो पहली बार पिछली बार की तरह अगर आपके झारखंड पॉलिटेक्निक के लोगों ने पेपर भी उसी तरीके से बनाया तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो है कट ऑफ उतना ही रहेगा अगर पेपर का लेवल में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया तो, ठीक है। देखिए पेपर के लेवल में हम चेंज करने की बात करते हैं, ठीक है, और कैसा पेपर बनाने की बात करते हैं, हम ये चाहते हैं कि झारखंड पॉलिटेक्निक में पेपर जो है चाहे वो मैथ्स का पूछा जाए या फिजिक्स का पूछा जाए या फिर आपके केमिस्ट्री का पूछा जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते कि सारी चीज़ें जो है आपकी क्लास 10th लेवल की पूछी जाए और पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछी जाए, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इनमें से सेक्शंस आपके हार्ड किए गए, मतलब कि आपके जो है अगर कठिन से कठिन चीजें पूछी गई आपसे, तो आप मान करके चलना कि 40 से 50 नंबर के बीच में आपका खेल जो है ये हो जाने वाला है और इतने पे ही सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाने वाला है, ठीक है। लेकिन मान के चलो कि अगर फिर से क्वेश्चन बबुआ टाइप का पूछ दिया गया, है ना, यानी कि छोटा छोटा क्वेश्चन जैसे छोटे बच्चे को खिलाया जाता है वैसे वैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे गए, तो आप लिटरली क्या कर सकते हो कि मैथ में से 50 में से 40 सॉल्व कर सकते हो, फिजिक्स भी 40 सॉल्व कर सकते हो, केमिस्ट्री भी 40 सॉल्व कर सकते हो, जितना देर का टाइम रहता है कम से कम इतना 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 तो बना ही सकते हो, आप लोग मुझे उम्मीद है ना। तब जाकर के 100 प्लस आपका कट ऑफ जाएगा, लेकिन 100 प्लस कट ऑफ जाने के लिए आपके पास ये भी तो जरूरी है बच्चे कि 100 प्लस अगर कट ऑफ आपका जाएगा तो आपको क्या क्या चीजें करनी है ना। तो ये चीज आपको ध्यान से देखना है। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा और झारखंड पॉलिटेक्निक के स्पेशल कोर्सेज को जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी की बेहतरीन तैयारी झारखंड पॉलिटेक्निक की हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं आप सभी से दोस्तों कौन से वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में झारखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। बाकी के लिए टाटा बाय बाय। जैसी क्लासेस है आपकी वैसे एज इट इज आपकी यूट्यूब पे और ऐप पर, ऐप का नाम है पांडे जी टेक्निकल ऐप पर आपकी चल रही है। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।